हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम आज इस वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे कर्नाटका के अंदर एक एग्जाम कंडक्ट हुआ है आपका, दैट इज केपीएससी के द्वारा, या फिर आप इसे कह सकते हैं केईए के तरफ से टाउन प्लानर का एग्जाम आपका कंडक्ट किया गया है। और ये एग्जाम आपका हुआ है ऑन द 12th ऑफ अप्रैल को और उस 2023 को, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो जीएस का पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर, उसके सॉल्यूशन को यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक पेपर इसका 11 तारीख को भी हुआ है, 11 अप्रैल को, तो जो उसका पीडीएफ मैंने बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पेपर का भी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं इस पेपर के अंदर सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 39 से करते हैं। इस पार्ट के अंदर हम इस पेपर को दो पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है पार्ट वन, उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 39 से कवर अप करना चालू करेंगे अप टू 100 क्वेश्चन तक। बाकी रेस्ट ऑफ द जो 38 क्वेश्चन है उनको हम सेकेंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। आई थिंक इतना प्रॉपर रहेगा विजिबिलिटी। चलिए देखिए, यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट इज फॉर्म्ड इन द एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड द प्रेजेंस ऑफ यूवी। मतलब ए बी एंड डी इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं सामने, 41 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो नॉट बीइंग पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, तो तो इसको हम देखिए, जो जितने भी आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, कैपिटल कॉम्प्लेक्स आपका चंडीगढ़ वाला है, हुमायूं टॉम या कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, हम्पी, अजंता केव्स, जंतर मंतर, महाबलीपुरम, ये सारे जो हैं वो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का, सो 41 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल द बिलोंगिंग्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। नॉट पूछा था, बट यहाँ पर कोई सा भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे यहाँ पर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा और जूम करते हैं, पहले जूम आउट करते हैं, ओके, तो ताकि हमें क्वेश्चन पेपर पूरा प्रॉपरली दिख पाए। तो चलिए यहाँ पर हम बात करें अगर जो इस क्वेश्चन की, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 40। इसमें जो आपका बिश्नोई कम्युनिटी है, ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी आपकी संबंधित है फ्रॉम द राजस्थान से। चिपको मूवमेंट आपका गढ़वाल हिमालय से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनके बारे में है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करी गई है। तो दैट इज यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1, 3, 2, 4 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात कर लेते हैं। देर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, इनको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। तो सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, देन आपका स्ट्रेटोस्फेयर, देन आयनोस्फेयर, देन यहाँ पर लास्ट में आएगा आपका एक्सोस्फेयर। सो यहाँ पर होगा BDCA, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए आपको ये चीजें देखिए, सक्सेशन ऑफ बेस रॉक, ये आपका क्या होता है, लिथोशियर होता है, दैट इज सी का हो गया आपका 3 ऑप्शन, सी का 3, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्टली आपको आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं जस्ट अ मिनट, हमने बात कर, सॉरी सी का 3 नहीं है, जस्ट अ मिनट इसे करेक्ट करेंगे, 43, ओके, डी का 3 है, नॉट सी का 3, दैट इज डी का 3 है, दैट इज ऑप्शन 1 होगा, ठीक है, डी का 3, मैं गलती से बोल गया, डी का 3, दैट इज सक्सेशन ऑफ
ऑन रॉक बेस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पर देखिए राइनोसोरस आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। इन सीटू होता है आपका ऑन साइड कंजर्वेशन, एक्स सीटू होता है ऑफ साइड कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट होते हैं आपके हाईली एंडेमिक्स। ठीक है, तो दैट इज यहाँ पर जो 45 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44। अकॉर्डिंग टू द IUCN सम ऑफ द एक्सटिंक्शन इंक्लूड्स, तो कौन कौन से इंक्लूड हैं इसके अंदर, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। डोडो है, इंडियन ग्लेज है, एंड थैलेसीन है, एंड स्टेलाइट सी काउ, ये चारों हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 44 का, नहीं सॉरी आर करेक्ट पूछा गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 44 का दैट इज यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की, एंड 46 में आपसे पूछा गया है यूवी रेज जो है वो होता है स्नो आपका जो है ब्लाइंडनेस में आता है, बायोडिग्रेडेबल आपका आता है दैट इज विद द बीओडी के साथ में, डीडीटी आपका आएगा बायोमैग्निफिकेशन के साथ, और फॉस्फेट के साथ आता है यूट्रोफिकेशन, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का। 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो इसे अब हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आई थिंक। ओके चलिए, तो 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर में आपसे पूछा गया है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 मार्च को, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, अर्थ डे आपका सेलिब्रेट होता है 22 अप्रैल को, वर्ल्ड पॉल्यूशन डे आपका जो है ये आपका 2 दिसंबर को होता है, ना कि 21 जुलाई को, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को, तो मतलब 3 आपके करेक्ट हैं, ए बी एंड डी, तो यहाँ पर ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं, तो 51 नंबर में पूछा गया है द रोया गोपुरा वॉज अ नोटेबल फीचर ऑफ द विजयनगर टेम्पल कंस्ट्रक्टेड अंडर द रिजीम ऑफ दैट इज हरिहर, नॉट दैट इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पर तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा, हरिहर। ठीक है, हरिहर इज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, नॉट विजयनगर एम्पायर, बेसिकली तुलवा डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ तुलवा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ अभी आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है द पुर्तगीज बर्नड बतकल टाउन एंड द न्यू टाउन मड बतकल केम अप इन द ईयर ऑफ, यहाँ पर जो ईयर रहेगा दैट विल बी द 48 का करेक्ट आंसर होगा 1542, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। फाउंडर ऑफ केलेडी डायनेस्टी इन द 1499 द सबॉर्डिनेट ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चाउडप्पा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 49। बेंगलुरु वॉज गिवन द लीज बाय लीज टू द चिक्का देवराया बाय द मुगल्स, बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 53 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट इज द वाशुमित्र, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करते हैं, तो इसमें पूछा गया कृष्णदेव राय पेट्रोनाइज्ड हरिदास अ तमिल पोएट, ये कौन है वह लखना। देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, मैं इसको 50-50 कहूँगा कि भाई 50% मुझे ये लगता है कि यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो हु वॉज द पोएट हैड द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामह, तो ये टाइटल मिला है किसको, अलसानी पेडाना, ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो हु इज द ऑथर ऑफ इपिक शिला पड्डीकरम, तो इसके जो ऑथर है वो है इलांगो अधिगल, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1814, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। एंड
कन्नाडियाहू पार्टिसिपेट इन द दांडी सत्याग्रह अलॉन्ग विद गांधी जी। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति थे उनका नाम था महादेव मार्तंडे, तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ है। विदुरक्षवता इज अ फेमस फॉर विच मूवमेंट, दिस इज अ फेमस फॉर द पीजेंट मूवमेंट। और ये आपका जो जलियावाला बाग था, तो ये साउथ जलियावाला बाग ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन पे। सो थोड़ा ऊपर करते हैं इसे। तो 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, विच सीजन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाय द सुभाष चंद्र बोस, दैट इज द हरिपुरा सेशन एंड त्रिपुरी सेशन। ये दो चीजें थी, दैट इज हरिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो इंडिया के अंदर हैं, दैट इज 40 जो है एट प्रेजेंट है। द मैक्सिमम थ्रेट ऑफ कोस्टल इरोजन इन कर्नाटका इज टेकिंग प्लेस। देखिए यहाँ पर जो मेरे को थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है आंसर में, ठीक है, बट जो मेरे को पता है वो है साउथ दक्षिण कन्नड़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कहते हैं, वहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। उसके अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। और 59 नंबर क्वेश्चन पे आपका क्रोनोलॉजी पे बताना है बादामी चालुक्य रूलर्स को। तो यहाँ पर देखिए विक्रमादित्य वन जो है, ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, ये 655 टू 680 एडी के अराउंड थे। पुलकेशिन द्वितीय जो थे 609 से लेके 642 एडी के अराउंड में, और कीर्ति वर्मन वन जो है वो 566 से लेके 597 के अराउंड थे। एंड मंगलेशा, तो इनका टाइम था 597 से लेकर 609 तक। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये हो गया आपका CDBA, दैट इज ऑप्शन 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन तो मैंने अभी स्किप किया था। क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं, द मेजर फिशिंग पोर्ट जो है इंडिया के अंदर वो कौन से है, कोचीन, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 65 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स फ्लो वेस्ट इन द कर्नाटका, वेस्ट पश्चिम की तरफ जो बहने वाली नदियां हैं कर्नाटक के अंदर वो कौन सी है, श्रावती, भीमा और बेदरी, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद है क्वेश्चन नंबर 67 आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज बीन स्किप्ड बिकॉज ऑफ द रीजनिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है ये। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर देख लेते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए सिमरीपाल आपका उड़ीसा के अंदर है, पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका, सॉरी आसाम नहीं है, ये आपका है कहाँ पर, एमपी के अंदर है। तो 71 का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी पे अरेंज करना है, कोल्स को फ्रॉम द सुपीरियर टू द इन्फीरियर में, एंथ्रासाइट, बिटुमिन एंड पीट, लिग्नाइट एंड पीट इज द कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या रहेगा, 68 का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर हम अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके 72 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज अ 72 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया स्टेट एंड रिफाइनरीज। देखिए हरियाणा के अंदर पानीपत रिफाइनरी है, तो हरियाणा के अंदर पानीपत रिफाइनरी है, दैट इज बी का हो जाता है सेकंड, बी का सेकंड है आपका, एक मिनट, बी के साथ आपका, सॉरी सेकंड नहीं फर्स्ट है, बी के साथ फर्स्ट है पानीपत, है ना, बी के साथ फर्स्ट है, दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई करना है आपको, क्रोनोलॉजी पे लगाना है कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन पे। तब हम यहाँ पर फॉर्मेशन की बात करें तो यडागिर जो है ये आपका 2009 के अंदर बना था, एंड रामनगरा जो है ये आपका 2007 में बनता है डिस्ट्रिक्ट, और चमाराजनगर जो है ये आपका बनता है 1997 के अंदर, और बेंगलुरु रूलर जो है आपका ये बनता है 1986 के अंदर। ठीक है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, डी सी बी ए कॉम्बिनेशन रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। समटाइम्स देखिए साउथ के वर्ड्स हैं, प्रोनाउंस करने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो उन चीज़ों को
बॉदर नहीं करिएगा, कोशिश करता हूँ मैं सही बोलूँ बट समटाइम्स थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। आइडेंटिफाई द कलर, सॉरी करेक्ट मैच आपको बताना है यहाँ पर। तो करेक्ट गुलमा जो है वो झारखंड के अंदर है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 73 की बात करें तो लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक जो है कर्नाटक के अंदर वो कौन सी है, मदुरई गिरी हिल्स जो है वो है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 73 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 77। सो आपको ओके 77 से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए 77 नंबर क्वेश्चन जो है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या कहती है भारतीय संविधान के तहत। तो ये होती है एक एनुअल बजट होता है, बेसिकली जो एनुअल बजट होता है वो होता है यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स कैन पार्टिसिपेट इन द यूएनओ जनरल असेंबली फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द कंट्री, दैट इज द मैक्सिमम अप टू 5। ओके, अब यहाँ पर देखिए इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म यूके से लिया है, एंड सेपरेशन ऑफ पावर हमने यूएसए से लिया है। तो यहाँ पर जो 74th नंबर क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, 74th नंबर क्वेश्चन ये था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 3421, दैट इज ऑप्शन 2, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमि प्रोजेक्ट जो डील करता है वो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है, ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। हु इनिशिएटेड द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट को जो शुरुआत की थी वो सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू करा था, ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हु डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द एवरी वन शेयर, यहाँ पर ये चीज कही थी जॉन शेले ने, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा 81 का भी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 75 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सिटीजनशिप से करेक्ट है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ सिंगल सिटीजनशिप, बिल्कुल ये सही चीज़ है। पार्ट 1 सिटीजनशिप के बारे में नहीं बात करती, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, ये गलत हो गई, तो दैट इज ये अभी गलत हो गया और ये भी तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर पूछा गया है तो वो होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1। Ambassador are appointed by the President of India, option number 2 is the correct answer. इसका तो हो गया option number 1. 82 की बात करें, rights are those conditions of social life without which no man can be his best self. So ये कहा था basically लस्की ने, option number 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 82 number question का correct answer होगा। Next question है question number, हम बात करें अगले question की, तो question number 82 के बाद 83 है। So, 83 के अंदर आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल स्टॉर्म नालगिया दैट लैश्ड द फिलीपींस ऑन अक्टूबर 29, 2022, तो उससे संबंधित ये चार स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं चारों के चारों करेक्ट हैं, तो दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 85। तो यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन है, तो 85 के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर जो इंडिया स्कोर करता है 45.8 नहीं, यहाँ पर जो पॉइंट है अराउंड 42 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो पहला तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है, तो इनकरेक्ट पूछा था, तो यही आपका एक पॉइंट है जो गलत है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, एंड क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। 14th मीटिंग ऑफ द कॉप 14 की जो 14वीं मीटिंग है वो टू रामसर कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड जो 5 से 13 नवंबर 2022 में हुई थी, ये कहाँ पर हुई है, ये चाइना के वुहान और जिनेवा के अंदर हुई है, दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च अ थीमेटिक प्रोग्राम सोलर फॉर अ ग्रीन हाइड्रोजन, ये कब लॉन्च किया गया था, ये 20 अक्टूबर 2021 को लॉन्च होता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा 84th का करेक्ट आंसर। द लेटेस्ट प्रोजेक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन सजेस्ट दैट द ग्लोबल पॉपुलेशन कुड बी ग्रोन टू अराउंड दिस कुड बी अराउंड फॉर द 8.4 बाई 2030 एंड 10.2
चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक दैट इज द इजिप्ट। आउल कैन परसीव डिम लाइट बिकॉज दे मोर रॉड्स इन द रेटिना, बिकॉज ऑफ द मोर रॉड्स इन द रेटिना। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। एंड 93 नंबर क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर है द लेथरी ट्रांसलूसेंट टेस्ट ऑफ द एसिडिशियन इज कंपोज ऑफ द एंड टूनिसिन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो वेयर इज द धान सिंह थापा पोस्ट लोकेटेड इन ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक। सो बिटवीन द यहाँ पर जो 89th नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बिटवीन फिंगर 2 एंड फिंगर 3, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कई बात होता है कि कई सारे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं उस चीज़ के लिए माफी चाहता हूँ आपसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द वैलेस विच ज्योग्राफिकल रीजन इंक्लूड्स साउथ अमेरिका एंड द मोस्ट ऑफ द सेंट्रल अमेरिका, दैट इज द इथोपियन रीजन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। काउ मिल्क जो है येलोइश कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन या फिर कैरोटीनॉइड, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 एंड 95। सो 91 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोथ फोइटल एंड द यूट्राइन टिश्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। रीसेंट मेथड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इज इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं पहले। इसमें खांसी एंड जयंतिया जो है वो मेघालय के अंदर है, अरावली राजस्थान के अंदर है एंड सरगुजा आपका आंध्र प्रदेश में है, कनाडा आपका एमपी मध्य प्रदेश में तो नहीं होता है ना। तो एबीसी करेक्ट पूछा गया है, एबीसी होगा ऑप्शन नंबर 1 98 नंबर का करेक्ट आंसर। ठीक है कनाडा मतलब ये वाला आपका गलत हो गया है, करेक्ट पूछे गए थे, एबीसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का। तो इंडियन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 33% फॉरेस्ट कवर है प्लेन एरियाज के अंदर, 67% कवर है द माउंटेन्स में, 15% नहीं है, 6% डेजर्ट में नहीं है। तो ए भी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर देखते हैं। तो 99 में आपसे पूछा गया है फॉलोइंग एक्ट हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये सारे रहते हैं। बट 1992 का जो बायोडाइवर्सिटी है ये कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बात करता है, ना कि कोई पॉल्यूशन का कंसर्न है यहाँ पर। तो करेक्ट पूछा है, ए बी सी करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 99 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर मीथेन का कंट्रीब्यूशन 20% है। एक सेकंड, हाँ ठीक है, देखिए मीथेन का कंट्रीब्यूशन 20% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी आपका 14% है, कार्बन डाइऑक्साइड 60% आपको देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन आपको 12% देखने को मिलेगा। तो आपको पूछा है करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ए और बी है, नहीं सॉरी पूछा क्या था आपका 97 में, करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा था ना, तो एक मिनट वो टाइम गड़बड़ क्या कर दी मैंने, देखिए क्लोरोफ्लोरो का तो ठीक है, कार्बन मीथेन का भी इतना होता है ए बी, और यहाँ पर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ओके ये 12% आप ये तो ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नॉक्स का जो नॉक्स का परसेंटेज होता है वो आपका होता है 12%, तो यहाँ पर ए बी और डी होगा करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78% होता है, ठीक है ऑक्सीजन 20.95% आर्गन जो है वो आपका 0.93% के अराउंड होता है,
1% नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड समथिंग इतना ही कह सकते हैं आप। तो ए बी डी आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट वन फॉर द पेपर ऑफ कर्नाटका टाउन प्लानर का जीएस का जो पेपर था उसके सॉल्यूशन हमने करे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से हमने स्टार्ट किया था 100 तक क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकेंड पार्ट के अंदर।